कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमको दया आ रही है उनके दिमागी की स्थिति को देख करके कि जो आदमी 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहने का काम किया, आज इस स्थिति में आ गए कि अपने अस्तित्व को भी वो न समझ रहे हैं। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। दो दिन पहले महिलाओं के बारे में क्या कहा, समूचे दुनिया थू थू कर रही है। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। बिहार विधानसभा में गुरुवार को एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। आरक्षण विधेयक पर जब जीतनराम मांझी ने अपनी बात रखी तो उसके जवाब में सीएम नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर भड़क गए। उन्होंने जीतनराम मांझी को सीएम बनाए जाने के निर्णय को अपनी गलती बताई। बीजेपी के सदस्यों ने सीएम नीतीश के बयान का जमकर विरोध किया। जीतनराम मांझी ने भी नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है तो यह आपकी भूल है, आपने जदयू विधायकों के विरोध की वजह से डरकर कुर्सी छोड़ी थी। नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम को लेकर कहा है कि जब ये हमारे साथ थे तब भी गलत बयानबाजी करते थे, अभी ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के द्वारा सीएम नीतीश के बयान का विरोध करने पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने ही इन्हें सीएम बनाया था। सीएम नीतीश ने कहा कि जीतनराम मांझी आज कहते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनसे पूछा जाए कि इन्हें किसने मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी नीतीश कुमार के बयान को लेकर हंगामा हुआ था। नीतीश कुमार के परिवार नियोजन के मुद्दे पर दिए गए बयान की काफी आलोचना हुई थी। उन्होंने बिहार विधानसभा में जातीय गणना पर बोलते हुए शादीशुदा जोड़े के फिजिकल रिलेशन पर अमर्यादित बयान दिया था, जिसे लेकर महिला विधायक भी झेप गई थी। बीजेपी समेत अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार को घेरा था। बिहार विधानसभा में आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही थी, उसी विधेयक पर जीतनराम मांझी अपनी बात रख रहे थे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल आम राय से पास हो गया। ये संशोधन राज्य सरकार के नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के नए प्रावधान के लिए है। इसके बाद जहां अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 20% और 2% होगा, जबकि वर्तमान में उन्हें 16% और 1% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वहीं ओबीसी और एबीसी को अब 18% और 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि उन्हें वर्तमान में 12% और 18% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में जीतनराम मांझी पर क्या कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद हम जीतनराम मांझी का भी बयान सुनाएंगे कि उन्होंने उसके बाद क्या बोला है। इनको कुछ आइडिया है, ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया, हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, असल समर्थन कर रहे हैं। सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है, ये जो प्रचारित कर सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं, अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए, इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता ही माने, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आपकी आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें। आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं, इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में रखें। हम भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में या पर्सनल विभाग में या राज्य सरकार के अन्य राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले, यही आगे हम लोग करेंगे। हाँ, एक बात और, ये बार बार कहते हैं,
2017 में यही नीतीश कुमार कहे थे, मांझी जी आप लोगों के बारे में सोचा गया है। उस समय एनडीए में थे तो हमने कहा था कि हाँ हमारे बारे में सोचा गया है, मालूम है, हमको गवर्नर बनाया जा रहा है, हम गवर्नर के पद पर नहीं जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाएंगे, हम पब्लिक में रह करके लोगों से काम करेंगे। और हम जब नहीं बने तो आज सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल दो जगह बनाए गए। और आज की बात जहाँ तक है, बात कहीं उठती है, हम कहते हैं कि हम विधायक रहें न रहें, मेंबर पार्लियामेंट रहें न रहें, जब तक हमारे नस में एक बूंद भी खून है, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पब्लिक का सेवा करना चाहेंगे। हम राज्यपाल स्वप्न में भी नहीं सोचा है, हम राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं। ये लोग हमको ख्याली पुलाव या सब जवाब दिखलाना चाहते थे, अपने तरफ कहते थे आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ। हम क्यों उनके पार्टी में जाते? हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है, 34-35 निर्णय अपने मुख्यमंत्री काल में लिया है, इसको इन्होंने मर्सिलेसली कुछ नहीं देखा, सबको कैंसिल कर दिया। अगर वो आज रहता लागू होता तो आज बिहार की स्थिति आगे बढ़ती। आज ये फिजूल खर्ची में पड़े हुए हैं, बताइए नया म्यूजियम हाउस से पुराना म्यूजियम हाउस में अंडरग्राउंड जो बनाया जा रहा है 6,000 करोड़ रुपया की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि आज पैसा है तो आज गरीबों को जो 60-70 वर्ष गुजार दिया उनको पेंशन देना चाहिए, अगल बगल के लोगों को 1,000 रुपया 1,500 रुपया और 2,000 पेंशन मिलता है, यहाँ 200 रुपया पेंशन मिलता था, जिसको 200 हम बढ़ाया 400 रुपया मिलता है, उससे कोई फायदा होने को है क्या? उसी पर नहीं, हमको दया आ रही है उनके दिमागी की स्थिति को देख करके, कि जो आदमी 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहने का काम किया, आज इस स्थिति में आ गए कि अपने अस्तित्व को भी वो न समझ रहे हैं। और कल ही 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में क्या कहा, समूचे दुनिया थू थू कर रही है, यही आप समझ सकते हैं कि इनका दिमागी की स्थिति क्या है। हम लोग अभी कहा कि हम लोग राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और सारी बात उनसे समय लेकर के बात करेंगे।